हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है और इसको लेके लोगों में क्या गलत इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब होता है कि गाड़ी ऑटोमेटिकली सही टेम्परेचर सेट कर देगी। यहां तक डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सही का मतलब क्या होता है? जब मैंने ये लोगों से पूछा तो मुझे रेस्पॉन्सेज ये आए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी अगर आपकी गाड़ी में है तो गाड़ी अपना टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। ये हास्यास्पद बात है दोस्तों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, अंदर बैठे यात्रियों को क्या टेम्परेचर चाहिए ये गाड़ी को कैसे पता चलेगा? हो सकता है दो अलग अलग यात्री या फिर चार या पांच अलग अलग यात्री जो गाड़ी में बैठे हैं सबको अलग अलग लेवल का कूलिंग इफेक्ट चाहिए हो। गाड़ी को कैसे पता चलेगा कि यात्रियों को कौन सा यूनानिमसली टेम्परेचर चाहिए और सबको खुश गाड़ी कैसे करेगी? तो दोस्तों, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि ऑटोमेटिकली गाड़ी बाहर का टेम्परेचर सेंस करके अंदर का टेम्परेचर सेट कर देगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब यह होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर आप जो भी टेम्परेचर फील करेंगे वो टेम्परेचर गाड़ी केबिन के अंदर मेंटेन कर देगी थोड़ी ही देर में। तो अगर आपने 18 डिग्री सेल्सियस सेट किया, बाहर चाहे 40 हो, 30 हो, 50 हो, गाड़ी का कंप्रेसर एसी तब तक काम करता रहेगा जब तक ये टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं 18, 20, 22 जो आपका मन करे। ऐसी गाड़ियां जिनमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं होता उनमें जनरली एक नॉब दिया होता है, उस नॉब को घुमाइए, टेम्परेचर ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा गर्म आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप न्यूमेरिकल वैल्यू सेट नहीं कर सकते। दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।